हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स की, जो हम सभी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। सो पहली गलती जो हम सभी करते हैं कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट, किसी चीज़ का भी ऐड दिखा हमें या कोई भी मार्केट में गए, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसे ले आए कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, इसे बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। यू हैव टू नो वट इज़ योर स्किन टाइप एंड आपके स्किन टाइप को किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पता करनी है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। हमारी स्किन टाइप नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली है। सो इसको पता कैसे करेंगे? इसको पता करना बहुत ही आसान है। अगर आपने चेहरा धोया है और उसके 3 से 4 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा ऑयल फील हो रहा है, इट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन टाइप। अगर थोड़ी देर बाद हमें अपनी स्किन खिंची खिंची सी लग रही है, ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, देन यू हैव ड्राई स्किन टाइप। और टी जोन के पास अगर ऑयल है, बेसिकली आपके नाक के पास और या माथे के पास, देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ना आपके स्किन ड्राई लग रही है ना ऑयली लग रही है, देन यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। सो एक बार आपको पता चल गया कि आपके स्किन टाइप कैसी है, आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले उनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है कि वो किस फेस टाइप के लिए सूटेबल है, किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। जैसे कि अगर आपके स्किन ऑयली है, देन यू नीड अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर आपके स्किन ड्राई है, देन यू नीड अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उनकी डिटेलिंग पढ़नी है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपके स्किन के लिए सही है या नहीं है। सो द सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हाट वी डू इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन ओनली। हमने ये तो देखा कि ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये हमारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बट हमने उनके पीछे का जाके डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं देखा कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जो कि टॉक्सिन फ्री हो और जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हो। सो इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट के पीछे का डिस्क्रिप्शन और उनमें मेंशन सारे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ना है। सो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट है उनके की इंग्रेडिएंट्स में पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकन, सल्फेट्स ऐसी चीज़ें ना मेंशन हो। एंड थर्ड कॉमन मिस्टेक इज़ लाइक नॉट एक्सफोलिएटिंग योर स्किन रेगुलरली। हमें अपने स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सफोलिएट इन द सेंस हमें अपने स्किन को अच्छे से साफ करना, उनके डेड स्किन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर एक्सफोलिएशन आदर यू कैन यूज़ अ फेस ब्रश, एक कोई भी हल्का सा क्लिंजर लगा लें एंड फेस ब्रश से उसको हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करें, या कोई सा भी नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला अच्छा सा स्क्रब यूज़ करें। ये हमें 2 से 3 बार हफ्ते में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सो उससे ये होगा कि हमारा जो डेड स्किन है वो हमारे चेहरे पे इकट्ठा हो जाएगी, हमें एक्ने हो जाएंगे, हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो exfoliating our skin removes the dead skin, removes the extra sebum oil from our face and which prevents acne as well as blackheads and whiteheads. So, अब आपको पता चल गया कि exfoliation क्यों ज़रूरी है। So, इसे भी हमें अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर से शामिल करना है। सो गाइज, जो अगली मिस्टेक हम करते हैं कि वो हम ये करते हैं कि हम अपने फेस पे जो क्रीम यूज़ करते हैं उसी से हम अपने अंडर आई एरिया को भी हाइड्रेट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ अ रॉन्ग वे। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा फेस है उसमें जो बाकी स्किन है, ये सारी स्किन के कंपेरिजन में हमारी अंडर आई एरिया जो है पतली होती है, स्किन हमारी पतली होती है और यहाँ ईजिली जो है ये मॉइस्चर लूज़ कर देती है एंड ये ईजिली ड्राई हो जाती है। सो इससे इसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है, इसके लिए एक अंडर आई क्रीम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं भी करना चाहते, आपके पास नहीं भी अभी के लिए, तो आप बादाम ऑयल को लेकर के इसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं। बट हाँ, अपने अंडर आई एरिया का हमें अपनी बाकी स्किन के कंपैरिजन में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है एंड इसके लिए अलग से अंडर आई क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप इज नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन। वी ऑल नो हाउ सनलाइट एंड यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर आर स्किन, हाउ दे इजली पेनिट्रेट इन टू आर स्किन एंड फॉर्म्स फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स। सो इससे बचने के लिए हमें एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत है, चाहे हम घर में हो चाहे हम बाहर हो, क्योंकि जो यूवी रेज है, जो सनलाइट है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू योर विंडोज एंड देन कैन पेनिट्रेट इन टू योर स्किन, कॉजिंग हार्मफुल एंड अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। और सिर्फ ऐसा सनलाइट से ही नहीं होता है, इवन द लाइट्स कमिंग फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स, फ्रॉम योर लैपटॉप्स, दे पेनिट्रेट इन टू योर स्किन एंड कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन। इसलिए हमें एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है एंड दैट टू
हमें चेक करना है कि वो 30 SPF से अबव हो. सो एनी सनस्क्रीन अबव 30 SPF एंड जिनके इंग्रेडिएंट्स सारे नेचुरल हों, टॉक्सिन फ्री हो, आपको ये चेक करना है और अपने हैंड बैग में अपने पास हमेशा रखना है. घर में रहे तो भी यूज़ करना है, बाहर जाए तो भी यूज़ करना है. सो नेक्स्ट मिस्टेक विच वी ऑल डू इज कि हम सुबह भी सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, रात को भी सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है. सुबह हमें डिफरेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, रात के लिए हमें दूसरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है. जैसे सुबह हमें एक अच्छा सा क्लिंजर यूज़ करना है ताकि हम रात भर के जो भी हमारे चेहरे पे ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, जो भी डेड स्किन्स प्रोड्यूस है, वो अच्छे से साफ हो जाए, धुल जाए. और हमें एक सनस्क्रीन यूज़ करना है ताकि हमारी स्किन जो है यूवी रेस से और हार्मफुल लाइट से बची रहे. रात को हमें क्या करना है, अपने मेकअप को अच्छे से हटाना है, अच्छे से रिमूव करना है और एक प्रॉपर अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना है सो दैट आपके स्किन को रात भर अच्छे से हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिलती रहे. सो फॉलो डिफरेंट स्किन केयर रूटीन फॉर मॉर्निंग एंड फॉर नाइट. These needs to be taken care properly. So अगली जो स्किन केयर मिस्टेक हम सभी करते हैं कि कभी कभी हमें बहुत आलस आता है, हम थके होते हैं एंड फिर हम अपना मेकअप नहीं उतारते और सो जाते हैं. सो दैट शुड नॉट हैपन. ऑलवेज रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू द बेड. ओके, अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना है, इवन डबल क्लिंस करना है पहले तो उसे किसी अच्छे क्लिंजर से या बाम से, क्लिंजिंग बाम से अपने चेहरे से सारे मेकअप को हटाना है एंड देन अच्छे से फेस वॉश से साफ करना है अगर आपने बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ किया है तो. एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा काजल या आई मेकअप किया है तो ध्यान रखिए कि आँखों के पास भी अच्छे से सारा काजल, सारा लाइनर और सारा मस्कारा निकल जाए. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो पोर्स होंगे वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, दे विल गेट क्लॉग्ड एंड देर विल बी अ लेयर फॉर्म बिटवीन आर स्किन एंड एनवायरनमेंट एंड उससे अच्छे से मॉइस्चर नहीं मिलेगा, हमारी स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड देन इट विल लीड टू अ सीवियर एक्ने प्रॉब्लम्स, वाइट हेड्स प्रॉब्लम एंड ब्लैक हेड्स प्रॉब्लम. सो गर्ल्स डू रिमेंबर टू रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू द बेड. नेक्स्ट मिस्टेक इज पिकिंग योर फेस. आई नो आई ऑल्सो डू दैट. मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मेरे हाथ मेरे पिंपल्स पे ना जाए, मेरे एक्नेस पे ना जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो कभी ना कभी चले जाते हैं. बट हमें ये अवॉइड करना है, ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे दैन वो और भी जगह पे स्प्रेड हो सकती है, जो इन्फेक्शन है वो बाकी जगह फैल सकती है एंड दैन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको. अगर आज एक है, कल आप सुबह उठोगे तो 3-4 आपको एक्ने मिलेंगे. सो डू नॉट पिक योर पिम्पल्स और एक्नेस एंड मेक श्योर कि आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल हो रहा है तो देन गो एंड कंसल्ट टू अ डर्मोटोलॉजिस्ट. अगर एक आध कभी इधर उधर हुआ है तो बस उसके साथ छेड़खानी ना करें, वरना दैट विल लीड टू एन इन्फेक्शन और वहाँ पे डार्क स्पॉट्स भी हो सकता है. सो अवॉइड पिकिंग योर फेस. सो गाइस, जो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि हम सभी करते हैं, आजकल के सारे यंगस्टर्स करते हैं, दैट इज़ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. हम दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने ऑफिस के कामों में, अपने कॉलेज के कामों में, देन अपने घर के कामों में, देन हमें इंस्टाग्राम चेक करना होता है, फेसबुक चलाना होता है, देन वी हैव टू वॉच सम सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, विच इज़ नॉट बैड, विच आई एम नॉट सेइंग इज़ नॉट बैड. या हमें उसमें बस हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, हमें ध्यान देना है कि हम टाइम से सोने जा रहे हैं और सुबह टाइम से जग रहे हैं, हमारी नींद अच्छे से पूरी हो रही है. स्टडीज़ हैव शोन दैट गुड स्लीप इज़ नॉट ओनली नीडेड फॉर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड स्किन. सो आपको अगर एक अच्छी नींद, अच्छी स्किन चाहिए, देन आपको अपनी नींद को अच्छे से पूरी करना है, वरना क्या होगा कि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ सकते हैं, हमें हेडेक हो सकता है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है एंड हमारी स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर भी खराब हो सकता है. सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, keep in mind that you have to go to bed early, rise early and you have to manage your work as aise ki aapki neend pe koi asar na aaye, aap acche se daily 7 se 8 ghante ki achhi neend le. Guys, these are the mistakes which I do it, which I feel ki main daily life mein kabhi na kabhi kar deti hu, kabhi galti se, kabhi bhool ke, ya which I am trying to improve, ya jo mujhe pata hai. बट अगर आपको भी ऐसी कोई स्किन मिस्टेक पता है जो कि आप सभी करते हैं या जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड ऑन दिस नोट, हैव अ नाइस एंड हेल्दी ग्लोइंग स्किन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन. ऑन दिस नोट, बाय बाय गाइस, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. Peace out.